भाई, मैं बेंगलोर से लखनऊ जा रही थी। मन में कुछ शंका सी थी। सब कुछ सही था, पर फिर भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था उस दिन। एयरपोर्ट पहुंच गई। एयरपोर्ट में सब लोग अपना सामान लेकर जाए थे। इस लड़की को देखकर पूरे रेड कलर में, तब भी कुछ मुझे अजीब सा लगा। फिर मैं पहुंच गई अपने फ्लाइट का टाइम देखने के लिए। वहाँ पे 6E903 करेक्ट टाइम पर था, इंडिगो 6E903। टाइमिंग करेक्ट थी। फिर मैं लगी इंतज़ार करने कि कब शाम के 6:30 बजे मेरी फ्लाइट थी, तो मैं वेट करने लगी। कोई भाग रहा था अपने डेस्टिनी की ओर, बताने किस लिए, और कुछ लोग अंडरग्राउंड में जा रहे थे अपना सामान लेकर। सब अपने अपने डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा था। अंदर से सब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चलती गई। मेरा गेट नंबर 24 था, तो मुझे अंडरग्राउंड में जाना था गेट नंबर 24। यहाँ पे बहुत से काउंटर थे, कुछ बुक्स के, कुछ गिफ्ट्स के, खाने पीने के काउंटर्स, वॉशरूम, सब देखती हुई मैं आगे बढ़ रही थी। चुपचाप से आगे पीछे बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ पर एयरपोर्ट की बसेस खड़ी हैं लोगों को फ्लाइट तक ले जाने के लिए। लोग बैठे हैं, टीवी देख रहे थे, कुछ लोग अपने आपस में बातें कर रहे थे, कुछ गर्ल्स खड़े होकर एयरपोर्ट देख रही थी। इंडिगो फ्लाइट्स खड़े थे एयरपोर्ट पर। सब कुछ देखते हुए मैं शांत से बैठी अपने फ्लाइट का वेट कर रही थी। तब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा इधर उधर घूम लूँ, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी वक्त है। लगभग 3 घंटे का वक्त है मेरे पास। बोर्डिंग मेरा था 5:30 बजे और मेरे डिपार्चर का टाइम था 6:30 बजे। मैं वहाँ से उठी और आगे चल दी। कहीं से कुछ देखने को मिले, मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने सोचा कुछ ले ही लूँ जाकर। और फिर मैंने एक लस्सी लिया, जो कि छोटा सा ग्लास था, और वो इतना कॉस्टली था, 230 रुपीज़ का एक छोटा सा लस्सी। फिर मैंने लस्सी ली और कुछ देर और वेट किया, और उसके बाद लगभग 6 बजे फिर बोर्डिंग शुरू हुई और मैंने फ्लाइट लिया 6E903। बैठने के समय से ही मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन खैर फ्लाइट टेक ऑफ हुई। लेकिन जब नागपुर पहुंची, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस शुरू हुई कि हालत ख़राब हुई। आधे घंटे तक टर्बुलेंस होता रहा। लग रहा था कि बिल्कुल आज फ्लाइट क्रैश ही कर जाएगी। मैंने ऐसा टर्बुलेंस आज तक नहीं देखा था। सब लोग घबराए हुए थे और सब के सब शोर मचाने लगे थे। मेरे पापा और भगवान की प्रार्थना से जैसे तैसे लैंडिंग हो गई। उस दिन एक हादसा होने से बचा। सब लोग घबराए हुए थे और मैं अपने घर पहुंची और अपने घर में सारा हाल मैंने घर पर सुनाया। तो घर पर पहुँच कर जब दीदी से बताया, तो दीदी ने भी बोला कि आज घर पर सुबह सुबह भगवान की कांच की फ़ोटो टूट गई थी, तो मम्मी ने बोला कि कुछ अनहोनी होने से बच गया। तो ये थी प्लेन क्रैश होने की खबर। और मैं जब घर पहुँची, मैं लेकर आई थी बहुत सारी मिठाइयाँ घर के लिए। दीदी ने सब निकाल के सबको दिया, और मेरा बेटू वो भी बैठा था, और मेरी मम्मी, सब लोग को जब मैंने घर पर देखा
तब मुझे खुशी हुई और पापा से बहुत सारा थैंक्स बोला, भगवान को भी थैंक्स बोला। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।